ऊपर जाने के लिए है रास्ता। तो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एक अगली सुबह अमृतसर में, और मैं आपको यहाँ से ना लोकेशन दिखाता हूँ, ऊपर छत की, पूरा बहुत प्यारा व्यू है और सामने गोल्डन टेम्पल भी दिखाई देता है। देखो कल से बारिश, मतलब थमने का नाम नहीं है, अभी जाके थोड़ा सा थमी है। मुरादाबाद से चलते कंटिन्यू बारिश मिली पूरे रास्ते भर, और कल रात पूरे कपड़े जूते सब ठीक है। वो तो अच्छा एक ड्रायर लेके आया था, हेयर ड्रायर, उससे सुखा लिया। तो अभी नीचे जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का लोकेशन देखेंगे, बाघा बॉर्डर वगैरह और वहाँ के नियरेस्ट जो मंदिर वगैरह हैं, उसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। लोकेशन आप भी देखना और मैं भी देखूँगा, चले थे। हाँ, जैसे आपने सर 45 वाली टिकट ली तो आप खाली किला घूम सकते हैं अंदर से पूरा, उसमें एक घंटा लगेगा भैया। एक घंटे में सारी चीजें हो जाएंगी? एक नहीं तो ज्यादा, थोड़ा ज्यादा लगा लो भैया। इसमें हम लास्ट में लेके जाते हैं, पहले सारा साइट सीन करा के लास्ट में उधर लेके आएंगे भैया। और एक मिनी इंडिया गेट है और एक वाघा बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर पे भैया कोरोना वायरस के कारण जिनको डोज नहीं लगी वो बंदे नहीं जा सकते। अगर बाई दे देखो भैया, ट्राई करेंगे वहाँ पे, अगर आपको फौजी ने अलाउ कर दिया तो आप जरूर जाइए, अगर नहीं किया तो फिर सर बाहर से घुमोगे। सर मैं ड्राइवर खुद हूँ, मैंने ही आपको लेके जाना है, मैंने ही घुमाना है और मैंने ही आपको गाइड करना है। और भैया आपको सारी चीजें मैं अच्छे से घुमाऊंगा, खुश होके जाओगे आप, मुझे पता है सर। और भाजी 120 रुपए आपको टूल पार्किंग जो पड़ेगी ना वो मेरी है भाजी, मैं पहले क्लियर बोलूंगा। आज भैया जब अटारी स्टेशन चलोगे ना तुम, तो वहाँ रियलिटी में देश में जब लोग देश का पार्टीशन 1947 में मुसलमानों को काट के भैया पाकिस्तान और सिखों को काट के इधर भेज रहे ट्रेन में, वो शूट करना भैया वहाँ। ठीक है सर, ऐसी चीजें भैया, अच्छी अच्छी चीजें शूट करना था। जनरल डायर ने एंटर किया था, जनरल डायर बोला अगर ये रोड बड़ा होता ना भैया, ये सोचती भैया सर हमारे जहाँ जब बैसाखी का मेला आता है ना भैया, 13 अप्रैल 1919 में ये मेला हुआ था यहाँ कांड, और हर 13 अप्रैल वाले दिन भैया हम लोग यहाँ बैसाखी का मेला मनाते हैं। तो उस दिन वो बैसाखी का मेला देखने के लिए भैया लोकेशन बड़े पार्क में बैठे हुए थे, तो सर जनरल डायर ने सोचा कि यहाँ रोड एक्ट के विरुद्ध कोई साजिश चल रही है, तो निर्दोष लोगों के ऊपर भैया फायरिंग कर दी, जिसमें 5 से 6 हज़ार लोग एक साथ मर गए भैया, और 120 लोग भैया कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, नीचे वाले दबके मर गए, ऊपर वालों को गोलियों से मार दिया भैया। ये है भैया जलिया वाला बाग। आइए सर आपको इसके म्यूजियम में लेके चलते हैं। सर ये सर इसका म्यूजियम है, ये पूरी वीडियो चल रही है सर जलिया वाले बाग के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। पंजाब के लोगों ने अपने कठिन परिश्रम ये भैया महाराजा रणजीत सिंह थे ना जो उनका राय था पूरे पंजाब में। अच्छा, तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 में गोल्डन टेंपल के ऊपर 65 किलो सोने की भेंट दी थी, तो बाद में श्रोमणी कमेटी ने मिलके भैया एक टोटल 500 किलो सोना अभी लगा हुआ है, और 1604 ईस्वी में बहू जी इसको एक गोल्डन टेंपल की स्थापना की गई। पहले इसका नाम था भैया दरबार साहिब, और 1830 में जब गोल्ड लगा तो ये स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, फिर लोग इसको गोल्डन टेंपल बोलने लगे सर। अभी ये स्वर्ण मंदिर, और इसकी रियल डेफिनेशन जो है ये गोल्डन टेंपल कैसे बना, अमृतसर कैसे बना हुआ, मैं आपको बताऊंगा फिर आटो बताएंगे। ठीक है भाऊ जी, आइए भाऊ जी, फोटो आपके वहाँ से चले सर। यहाँ सब वीर ही वीर पैदा हुए थे, यहाँ वीर और गुरुओं की जमीन रही है, और यहाँ लाशों के ढेर में सिर्फ एक बच्चा बचा था जिसका नाम था भैया उधम सिंह, उसने कुएं में बचे थे। हाँ भैया, वो बंदा 20 साल वेट किया जनरल डायर को मारने के लिए सर,
जिसकी अभी मूवी आई है सर वो, हाँ जी, उसका भैया जाली पासपोर्ट बना के लंदन गया और लंदन जाके एक दिन उसकी कचहरी में उसको गोली मारी गई और उन्होंने अपने जो यहाँ से लोग मरे थे सर उनका बदला लिया। इंडिया वापस आ गए, इंडिया वापस नहीं आया भैया, उसको भी वहीं मार दिया गया भैया, और उसकी विश थी कि सर अभी मेरे को यहाँ उधर मार दिया तो मेरी अस्थियों को विसर्जन नहीं करना, उसकी अस्थियाँ जलियांवाले बाग में रखी गई थी भैया। वो यहीं पे, हाँ जी, ये वो जलियांवाला बाग जिस शिला जो बनी हुई है, ये सब उन्हीं की, उन्हीं के बारे में लिखे हुए हैं सबके। ये भगत सिंह के बारे में लिखा हुआ है जो अपने, वो सोहन सिंह, वो हर बंदे के बारे में लिखा है, मंगल पांडे के बारे में लिखा है, भगत सिंह के बारे में लिखा है, राजगुरु के बारे में लिखा है। और सर ये जो इतने इतने बड़े घर देख रहे हैं आप, ये 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ था ना भैया, तो ये मुसलमानों के घर थे, वो लोग इधर छोड़ के चले गए और रेड अलर्ट में लोगों ने कब्जे कर लिया था। तो ये सब मुसलमानों के घर, हाँ जी सर। निकालना क्या था भाऊजी, जब देश का माहौल खराब हो गया तो भागना पड़ा सब, उधर से सिख लोग भाग गए, उधर से मुसलमान लोग भाग गए। आपको पार्टीशन वाला स्टेशन दिखाना है सर, वहाँ पे रियलिटी में यही कुछ तो हुआ है भैया। हाँ सर आइए दिखाते हैं सर, इसको तो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ओपन हुआ था सर, समय के अकॉर्डिंग वो चेंज कर दिया, पूरा बंद कर दिया ना। हाँ जी सर, यही वो कुआ है जिसमें कितने लोग, 120 लोग कूद गए थे भैया इसमें, 120 लोग कूद गए थे नीचे। हाँ जी, नीचे वाले बच्चे मर गए भैया, ऊपर वालों को फायरिंग से मार दिया। अभी तो ज्यादा गहरा है नहीं, नीचे वाले दो ऐसे मर गए, लोग इसमें पैसे फेंकने लगे भैया, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब बने? तो पैसे बिल्कुल कम है, पहले तो पूरा नीचे पैसा ही पैसा और यहाँ भी पूरे ढेर लगे हुए थे चारों तरफ भैया। आपको सर बुलेट मार्क दिखाता हूँ सर, जहाँ गोली के निशान है, 120 लोग जो भैया भाग रहे थे, इधर से 5 से 6 हज़ार लोग, ये गेट है भैया से बंद कर दिया था गेट, यहाँ एक वो गेट है और एक गेट उस तरफ है, और यहाँ देखो सर अभी ये जो व्हाइट कलर में अंडरलाइन किया गया सर, ये बुलेट मार्क है, और सर लास्ट तक गोली मारी गई ऊपर तक, और यहाँ से कोई भाग भी नहीं पाया था भैया। ये अभी भी निशान है ना, हाँ जी, गोलियों की वो देखो, वो रहे 40 मिनट तक फायरिंग चली थी भैया, 40 मिनट यहाँ कंटिन्यू 40 मिनट तक, ये गोलियों के निशान है, ये बुलेट मार के बहुत वाइट वाइट कर रखे ना, जो सर पब्लिक को लगी लगी गोली, जो नहीं लगी वो दीवारों पे लगी, दीवारों पे लगी। और भी निशान बने ना भैया, ये बड़ी राइफल है, जब गोली लगती है तो पीछे से बड़ा होल बनाती है, ये वो गोली है सर। इमारत पुरानी है लेकिन भैया इसको लॉकडाउन में थोड़ा इसको थोड़ा अच्छा बनाया गया है। ये देखिए सर पुराने जमाने के घर, सब कोई जो लोग मरे थे सर उनकी याद में वो स्मारक बनाई गई थी, उन सबके नाम लिखे, नाम नहीं लिखे सर लेकिन वो स्मारक है भैया। अब तो क्या है ना, मेला होता है हमारे यहाँ, जैसे आपकी जमीन है तो आप अपना धान काट के ना चढ़ाते हैं पैसा की, अपने गुरु के घर में देने के लिए जाएंगे, थोड़ा बोले एक बोरी दो बोरी जितना भी आपके अफोर्ड कर सकते हो आप, तो ऐसे हर कोई बंदा बैसाखी वाले दिन करता है हमारे यहाँ पंजाब में, थोड़ा थोड़ा धान लेके गोल्डन टेम्पल में भेंट करते हैं। उस दिन भी सर ऐसे ही हुआ था, मतलब वो लोग सब ऐसे आए थे और मेला लगा हुआ था भैया अंदर, और उन्हें सर सोचा कि डॉलर एक्ट के विरुद्ध कोई साजिश चल रही है, तो साजिश के अकॉर्डिंग उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग कर दी, लेकिन उनको सच्चाई पता थी फिर भी उन्होंने लोगों को मारा, ये बात थी ऐसी चला दी निर्दोष। फालतू में सर जिसका भी बस एक ही तो बच्चा बचा था जिसका नाम उधम सिंह था, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी है भैया। सनी जी ये आज के हमारे गाइड भी हैं और ड्राइवर भी। सर देखो हम लोग यहाँ काम करते हैं तो सर थोड़ा किसी को बता देंगे तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाता है भैया, अच्छा हो जाएगा, और फिर आने वाले और भी लोग आएंगे तो वो लोग भी तो सर थोड़ा बचाएंगे, थोड़ा उनको भी गाइड हो जाता है, आपको भी अच्छा हो जाएगा और मेरा कस्टमर हमेशा के लिए चलता रहेगा भैया। आपको एक जगह भैया ब्लूट मार्क और दिखाता हूँ मैं, अच्छा वो जी यहाँ फोटो खींचेंगे, ये है ना वो उनकी याद में जो बनाया था। मेरे को सर कम से कम 9 साल हो गए सर यही काम करते हुए भैया, गाइड करते हुए ना, गाइड नहीं सर ड्राइवरी करते, ड्राइव करते हुए तो चलो मतलब यहाँ पढ़े लिखे थे ना हम, हाँ। तो थोड़ा गाइड कर देते सर, जैसे ये भैया जमीन है ना नीचे, इसकी जो सतह थी पहले की कितनी नीचे थी भैया, पहले इसको बाद में मॉडिफाई किया था, और समझ लो कि पहले ऊंचाई इसकी इतनी थी जो नीचे तक बुलेट मार के लगे, क्योंकि सर नीचे की तो गोली मारी नहीं होगी, वहाँ से डायरेक्ट मार रहे थे तो सर जो दीवारों पर लगी वो यही है सर, और दूर से चल रही थी गोली तो इतने नीचे था पहले ही, ये वो जगह है अब वो ऊंचा भरा, हाँ इसको मॉडिफाई नहीं किया गया भैया, ऐसे का वैसे वैसे
ये ऐसे ही था यहाँ पे, इसमें पुराना ही लगा हुआ है, पतली ईंट है। क्या चीज़ है वही मंदिर बना हुआ है, पहले ऐसे ही बनते थे ना। हाँ ककाई ककाई, इसको ककाई ईंट बोलते हैं, नानक शाही बोलते हैं आप लोग, गोलियों का निशान है। यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड सिस्टम शो चलता है। हाँ जी, जैसे ये बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, तो लोगों के चिल्लाने की रोने की आवाज़ जैसे देखने को सुनने को मिलेगी। आप एक शो चलेगा, लाइटिंग चलेगी ऐसे शाम को। सर आप देख लेना इसको, सर 8:15 पे शो मेरे ख्याल चालू होता है। जब इसकी जो एंट्रेंस है ना उसके ऊपर बोर्ड लगा, उसके ऊपर इसकी टाइमिंग लिखी हुई है सर, आप वो देख लेना। ठीक है भैया, और चार्जेस भी होगा? कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्टेबल है। नहीं, भगत सिंह को तो सर फांसी दे दी गई थी ना, वो फिरोजपुर में दिया गया। फिरोजपुर यहाँ से 120 किलोमीटर भैया हसनी वाला बॉर्डर पड़ता है वो। तो जी मेमोरी है सर, जीवन एक संघर्ष है चाहो। और एक बंदे के नाम के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी गई कि जो बोलते थे गांधी जी के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, हर एक के बारे में एक चीज लिखी गई है, जीवन एक संघर्ष है चाहे वो किसी मनुष्य का भी या राष्ट्र का हो। बाजी हो रही ना भैया, यहाँ भी कुछ दिन पहले मकर संक्रांति थी ना भैया, लोहड़ी का त्यौहार जिसको हम बोलते हैं, तभी उड़ाते हैं बहुत ज्यादा भैया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, डीजे लगते हैं, बहुत मजा आता है। खाली पढ़ा राज देख रहे हैं, वो है अमर ज्योति ना, तो ये अपने आप ही अमर ज्योति के पास तो जूता उतार के जाना पड़ेगा, तो आप यहीं से थोड़ा बहुत देख लीजिए। ये इंडियन ऑयल की तरफ से भैया फुल डे के लिए। अच्छा, ये इंडियन ऑयल की तरफ से जूते को लेकर इंडियन ऑयल से नीचे, तो उन्होंने दिया है सर, ये अमर हमेशा जलती रहेगी सर, ये बंद नहीं होती। नीचे गैस की पाइपलाइन, इसका पाइपलाइन डाली हुई है सर साइड पे, तो वहीं से सर इसकी फुल डे की सर्विस चल रही है, जैसे इंडिया गेट वगैरह में भी। रात ये बंद कर देते हैं, दिन में फिर मॉर्निंग में चला देते हैं जब वगैरह। ये उधम सिंह की अस्थि है सर। अच्छा, ये यहाँ रखी बना किया था जो इसके पिछले ना सर, इसको मतलब सचेत कर देते हैं लोगों के पास, तो आज भी बड़ी है भैया। और ये सब लोग बहुत है भैया, जिन्होंने जिला वाले बात के अंदर जो सम्मेलन चल रहा था उसको आगे बढ़ा रखे दिए, ये लोग उसके बारे में बता रहे थे। उस टाइम पे कुछ था भी इतना ज़्यादा, अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा कर रखा था। भैया महात्मा गांधी के चेहरे रखते ना तो देश कभी ज़्यादा नहीं होता। महात्मा गांधी ही वो बंदा है जिसने सर भगत सिंह को फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया था, ब्लैक फूल दे के फ्लावर दिए थे ना भैया उन्होंने, उन्होंने ही क्योंकि सर जो अंग्रेज थे ना कभी भी किसी को फांसी देने से पहले उनकी परमिशन लेते थे भैया, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी, अगर वो चाहते तो कभी उनको ना परमिशन मिलती थी और कभी भगत सिंह को फांसी दी जाती सर समय से पहले। लेकिन वो चाहते नहीं थे ऐसा, वो चाहते थे कि प्यार से देश आजाद हो जाएगा भैया, प्यार से तो राजा भी नहीं निकलता, तो वो अंग्रेज थे जो 100 साल से राज कर रहे थे भैया, इनको कैसे निकालना था, कैसे निकलते हैं। अब अगली लोकेशन हमारी, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आप लगा है दुर्गा टेम्पल है, पानी के बीच में
देखने ही वही सब आते हैं। अगर बाघा बॉर्डर बंद भी है तो हम लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भैया बंद है तो क्या आप बाहर से देखो, पाकिस्तान से देखो, तो आप बोलते चलो भैया चलते हैं। अगर हम घर बैठ जाएंगे तो भैया कस्टमर इधर ही रह जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। लो जी सामने है दुर्गा माता का मंदिर। धर्म द्वार, ज्ञान द्वार, अच्छा कितने सारे द्वार हैं, वैराग्य द्वार, ऐश्वर्य द्वार, श्रद्धा द्वार, वरुण द्वार, कुबेर द्वार, सुदर्शन द्वार, लक्ष्मी द्वार, पापा को पहनोगे क्या चश्मा लोगे? नहीं नहीं यहाँ सारे तीर्थ दे रखे हैं, जितने भी मंदिर हैं सबके यहाँ पे एक दृश्य है। मंदिर बीचों बीच में है ना, पानी के इधर भी जल है उधर भी जल है, जैसे स्वर्ण मंदिर में वैसे ही रहते हैं। मैया का मंदिर बहुत अच्छा है। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आएगी पहले मेरे ऊपर आएगी। पूरी रात भगवान भूखे रहे और सुदामा टुकर 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 चले खाता रहे, लेकिन भगवान को एक गाना भी नहीं, सारे गाने ओ लक्ष्मी हर भगवान की जय। कर दो ऐसी कृपा राम मेरे सर जो माही दरवाजों में ना सारे रामेश्वरम अगली डेस्टिनेशन क्या होगी? अभी आप देखें, हम लोग मैं क्या सोच रहा था, पहले बाघा बॉर्डर कर लेंगे, सबसे दूर का प्लेस है, पहले वो कर लेते हैं। बारिश ना पड़ जाए सर, बारिश आ जाएगी।